नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे एक कुशन कवर बनाना। इसे देखिए इस तरीके से बनाते हैं। ये 16x16 का है, यहाँ रख के ऐसे नापते हैं। ये 16 और इसकी लंबाई चौड़ाई इस तरीके से देखते हैं। तो मैंने ये कपड़ा देखिए कट कर लिया है। ये 16x16 का है, ये आधा इंच इसकी सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ा है। और इसे आज हम सिल के भी आपको बताएंगे और इसको डेकोरेट करके भी बताएंगे किस तरह आप प्लेन कपड़े पर घर पर आसानी से कुशन कवर, पिलो कवर आप बना सकते हैं। इस पर देखिए हाथ से डिजाइन भी बनाई हुई है, मैं ये आपको कढ़ाई करके बताऊंगी मशीन से। और इसकी ये साइडों पर भी डिजाइन बना के दिखाएंगे। आप भी सादा कपड़ा ला करके अपने घर पर ही तैयार कर सकते हैं। ये मैंने देखिए कट कर लिया है। ये स्टिचिंग करते वक्त आपको हम ये बताएं किस तरीके से जोड़ा जाता है। ये देखिए इसकी लंबाई देखिए, ये 17 इंच का मैंने कट किया है। ये 16 का तैयार होगा और आधा इंच ही सिलाई के लिए चारों तरफ से दब जाएगा। और इसमें देखिए मैंने प्रेस से इस पर ये पेस्टिंग पेपर भी इस पर लगा लिया, जबकि ये कढ़ाई करते हैं तो जिससे कपड़ा खींचे ना और एकदम बढ़िया कढ़ाई आए। चलो अभी हम मशीन पर चलते हैं, फिर बताना। देखिए पहले आपको ये पैटर्न, ये डिजाइन बताएंगे। देखिए इस मशीन से ही आपको ये पैटर्न बताएंगे, जो कि ये साइडों पर बहुत अच्छी डिजाइन बनाते हैं। इसको हमने डी पर सेट किया स्लेक्टर को और इस पर इसकी लेंथ सेट कर ली। धागा आपके पास कोई भी हो, ये नहीं है कि रेशमी धागा हो, सूती धागे से भी ये डिज़ाइन बन जाती है। मैं इसे रेशमी धागे से इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। चलो आपको बताते हैं, इसे सेट कर लिया। और इसी हिसाब से चारों तरफ इसके हम देखिए आपको बताते हैं। इससे कितनी बेहतर डिजाइन आ रही है। और आप प्लेन कपड़े पर आप घर पे ही बना सकते हो कुशन कवर या पिलो कवर, कुछ भी बनाना चाहे, डेकोरेट करना चाहे इस मशीन से। देखिए ये चारों तरफ डिजाइन बनकर ये रेडी हो गई। देखिए इस तरीके से मशीन से आप चाहे इसमें रेशमी धागा चलाएं या सूती धागा चलाएं, कोई भी धागा डालें और प्लेन कपड़े पर बाकायदा बढ़िया डिजाइन बना सकते हैं। अब हम आपको ये पैटर्न तैयार करके बताएंगे, दिखाएंगे भी किस तरीके से इससे कढ़ाई भी हो जाती है और ये वाली डिजाइन अभी दिखाएंगे। देखिए कढ़ाई करने के लिए इस मशीन में से कुछ चीज़ें हटानी पड़ती हैं। एक ये है ऊपर, इसे फोल्ड करके निकाल दो। और निकालने के बाद इसमें ये प्लेट लगाई जाती है। इस तरीके से कटेगा। देखिए इस तरीके से हमने इस पर करी ली है। अब हम आपको कढ़ाई करना बताएंगे।
तरीके से इसकी नहीं है, हाथों को चलाना है इस फ्रेम पर इस तरीके से। देखिए ये कंप्लीट हो गया फ्लावर बन के। अभी हम आपको पत्तियां बनाना बताएं, ग्रीन कलर लगा के फिर बताते हैं। फ्रेम को इधर से ऐसे लगा रहे, पहले थोड़ा ढीला कर लो। ये फ्लावर्स है, ये भी बना के दिखाते हैं। देखिए एक ये डिजाइन बनकर तैयार हो गई। सब अब हम आपको स्टिचिंग करके करना बताएंगे। देखिए इस मशीन से ये कर पर ये कढ़ाई भी आप कर सकती हैं। कुछ भी कोई सा फ्लावर बना लें या ये लाइनिंग कर लें, कुछ भी कर लें और आप अपने आप तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। कुछ चीज़ें हटाने पड़ती हैं मशीन में से, देखिए ये, और हटा करके आप खुद ही स्टिचिंग इससे कढ़ाई कर सकती हैं। आप ट्राई ज़रूर करें, बनाएं कुछ। देखिए कितना बेहतर लग रहा है दूर से, देखिए डिज़ाइन। देखिए ये पैटर्न बनके तैयार हो गया। अब आपको हम ये कवर सिलना बताएंगे। ये देखिए इसकी लंबाई इस तरह से रखेंगे इसको। एक बार फिर बता दें आपको, ये 16x16 का है, इसकी 16 ही लंबाई है इसकी तैयार। ये देखिए और 16 ही इसकी ये चौड़ाई है। ऑप्शन हो या पिलो कवर हो, जैसे कि आप लंबाई नाप लें। मैंने इसकी 16x16 का बनाया। अब आपको हम इसकी स्टिचिंग बताते हैं कैसे करने में। देखिए इसको इसे भी सीधा रखें, इधर इसे भी सीधा, और ये इधर उल्टा और इधर उल्टा। अब इसको इस तरीके से जो हमने लाइन खींच ली है, जो आधा इंच का मार्जिन था उसी हिसाब से हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
लीजिए इसको। अब हम आपको ये जॉइंट ये लगाना बताएंगे, जो कटा हुआ पीस था उसे देखिए इस तरीके से लगाएंगे, इसके ओवरलैप करना इसे, ये देखिए ये 2-3 इंच ये दब जाएगा इस तरीके से। अब इसके ऊपर से इसी हिसाब से इस पर हम सिलाई लगाते हैं। इसमें जितना मार्जिन छुटा हुआ है उसी हिसाब से लगाएं, कम ज़्यादा ना करें। सिलाई इसकी कंप्लीट हो गई। अब ये जो भी एक्स्ट्रा इसमें निकला हुआ क्लॉथ इसे हम कट कर देंगे पिंसेट के साथ। अब उसे काट के निकाल लें बस। अब हम आपको ये सीधा करके दिखाते हैं। देखिए ये कवर हमारा बनकर तैयार हो गया। देखिए मैंने कुशन पर भी चढ़ा दिया इस तरीके से बैक में। ये देखिए ये रख इसमें डालने के लिए कितने गादेस, और इस पर देखिए डिज़ाइन। आप देखिए आप भी बनाइए सिंपल कपड़ा लेकर प्लेन, और कोई भी डिज़ाइन इस पर आप बना सकते हैं। ये डिज़ाइन नहीं बनानी है तो ये जिग-जैग से कोई सी डिज़ाइन भी आप ट्राई करें और बनाएँ। अच्छा लगे तो कमेंट करें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और देखिए हमारा क्वेश्चन कवर बनकर तैयार हो गया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।